नमस्कार। आज हम लोग बसंत खेरा गांव में हैं, ग्राम में हैं, और ये गांव जो है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जो खेत है वो अभी आ रहे हैं वो, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं इस खेत के बारे में जानकारी दे दूं। ये 7 तारीख को इस खेत में जैविक छिड़काव हुआ था और आज का जो तारीख है वो 13 तारीख है। और इस 13 तारीख मतलब इतने दिनों के बीच में 6 या 7 दिन हुए होंगे, इस फसल में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि एक ही साथ जो है कितने सारे जो हैं फल लगने जो हैं वो शुरू हो गए। जहाँ देखे वहाँ पर फल ही फल है, पूरा खेत जो है वो फलों से लदा हुआ है। आप देख सकते हैं ये तो जैविक का मतलब हम लोग समझे कि वो हमारे खेतों के लिए ताकत है, एक वरदान है। और अगर इस जैविक विधि से शिक्षित हो करके वैज्ञानिक विधि से कृषि करें तो इसमें हमारा लागत कम हो जाती है और फायदा हमारा बढ़ जाता है। ये पीपरमेंट है, ये भी 7 दिन पहले इसमें छिड़काव हुआ था और उस समय ये पीपरमेंट जो थी बिल्कुल ऐसी ऐसी थी, लेकिन अब इस समय देखिए ये पीपरमेंट का ग्रोथ, ये आप देख रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि पीपरमेंट में पत्तों की चौड़ाई और मोटाई पे हम लोग देखते हैं, तो इसमें मोटापन ये पत्तों पे बढ़ना शुरू हो गया। तो वैसे ही देखिए शानदार जो है ये फसल जो है पीपरमेंट की शानदार निकल करके आई है। और इसमें अभी 15 या 20 दिन के बाद एक और जैविक छिड़काव होने वाला है, जिसमें उस छिड़काव में हम लोग इसके तेल को बढ़ाने वाली मात्रा को जैविक विधि से यूज़ करेंगे। अब आप एक चीज़ को मैं दिखाऊं, ये देखें पत्तों की चौड़ाई को आप देख रहे हैं और इसके थिकनेस इसकी मोटाई को भी देख रहे हैं। तो ये इस छिड़काव से ये विकास हुआ है। और ये जो खेत है, इस खेत में एक साइड में हम लोग पीपरमेंट को देख रहे हैं और दूसरे साइड में सब्जियां लगी पड़ी हैं और उनकी लत्ती जो है जो बढ़ाव है वो 6 से 7 दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और जगह जगह पे वो फैलाव अपना बढ़ाते चली जा रही हैं। क्योंकि खेत में कल ही पानी लगा है तो कुछ खेत में पानी भी है यहाँ पर। और ये जो खेत है वो कामता भैया का है और वो बहुत पहले से बहुत शानदार खेती करते आ रहे हैं। आलू इनके खेत में बहुत अच्छी होती है और इस तरह की खेती को देख करके उन्होंने ये बोला है कि भाई अगली बार से हम लोग आलू में भी इस जैविक प्रक्रिया का यूज़ करेंगे। जैविक विधि क्या है, जैविक प्रक्रिया क्या है, जैविक एक जीवन है जो जहरीली और विष नाशक पदार्थ जो है उससे आपको ये बचाती है। देख लीजिए जहाँ भी जाएं वहाँ पर केवल फल ही फल लदे पड़े हैं, इसमें पूरी फल ही फल दिख रहे हैं आपको सभी जगह। देखें पत्तों के बीच में नीचे आप जहाँ पर देखें केवल फल से ये लदा हुआ है। तो आप सभी ग्रामवासियों से भी आग्रह है कि आप भी जैविकरण कराएं। जब इतना शानदार रिजल्ट हमको कम समय में मिल रहा है, जैविक विधि से मिल रहा है, जीवन मिल रहा है। और आपको ये भी चलते चलते बता दें कि ये जो फसल है इसमें तोड़ा हुआ जो फल होगा वो 7-8 दिन तक ऐसे ही लाइव रहेगा, जीवित रहेगा। जैसे बाहर के जो रासायनिक विधि से हम लोग खेती करते हैं उनके फलों को हम लोग कोल्ड स्टोरेज में या ऐसे रखते हैं, बट यहाँ पर इसको लंबे समय तक रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही रखिए, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। और ऐसा नहीं होगा कि आपको पानी में इसको बराबर पानी की छिड़काव करनी है और ये सब करना है। तो देख लें वो कहाँ है, तो वो आ रहे हैं तो मैं दूसरा एक उनके साथ इंट्रोडक्शन लूँगा। अभी तो हम लोग इनके खेत को थोड़ा सा देख रहे हैं। ये देखिए सब जगह फल ही फल है जहाँ भी आप देखें। तो इस तरह से इनके खेतों के विकास है, डेवलपमेंट है। और जो कामता प्रसाद है वो क्या कह रहे हैं अपनी खेती के बारे में, उनके बारे में भी हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।